हाय एवरीवन, मुझ जन बीणा पाणी शिक्षा चंद्र आपण मानको स्वागत करछि। तो आज हम देखिबा क्लास 9 रो पार्ट्स ऑफ स्पीच रो जो एक्टिविटी अछि 11 टू 16 तार हम आज सॉल्यूशन सब देखिया और डिस्कशन करिया। तो देरी न करू, चलन तो स्टार्ट करिबा। तो हम देखिया एक्टिविटी 11 कोन कहै छै, आइडेंटिफाई द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड से व्हाट नेम्स दे इंडिकेट। तो हमको कौन करिया छि एठी माने 6टी सेंटेंस अछि, 6टी सेंटेंस हमको नाउन को चिन्हबार अछि आ से माने काहा को इंडिकेट करजोंदी ताको हमें देखियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, रामचंद्र इज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द रामायण। प्रोटागोनिस्ट एडो गोटे वर्ड आसिले, प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट कहले हमरो कोन ना, एडे प्रोटागोनिस्ट कहले मुख्य चरित्र, कोन मुख्य चरित्र, लीड रोल आम जोटा बोल। तो सीटा रामचंद्र इज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ रामायण। तो प्रोटागोनिस्ट कहले कौन मुख्य चरित्र। अच्छा, तो ये रामचंद्र गोटे नाम, रामचंद्र जो वर्डी ए जो वर्डी ये गोटे नाम क्या सोच गोटे व्यक्ति को सोच। तो यहाँ गोटे नाम इंडिकेट कर नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ ए पर्सन से भाया। आउटा हला के ना रामायण गोटे नाम, ये गोटे कौन नाम ये इंडिकेट कर नेम ऑफ ए बुक बा नेम ऑफ ए ऑब्जेक्ट कह पार आम नेम ऑफ ए बुक, बुक कह चलो कि ऑब्जेक्ट कहले चल। फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखा, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कैटल है कौन, ये गोटे पूरा पूरा गोटे श्रेणी को बुझौ कैटल माने। तो या ये हम नाउन किंतु यहाँ कौन इंडिकेट कर नेम ऑफ ए क्लास, नेम ऑफ ए क्लास गोटे श्रेणी को से इंडिकेट कर दी बा समष्टिवाचक विशेष ओडिया जब कह पार आपर कौटे फिल्ड रे। तो यहाँ क्या को इंडिकेट कर ना नेम ऑफ ए प्लेस गोटे स्थान को ये इंडिकेट कर। तो आमर सेकेंड सेन्टेन्स दुईटा नाम गोटे कैटल आ गए फिल्ड, गोटे इंडिकेट कर क्लास को गोटे श्रेणी को आ गए कर गोटे जगह। नेक्स्ट थर्ड, ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवार्डेड। कौन कहला ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवार्डेड। अच्छा, तो एक क्षेत्र में आउ तो कहीं नाउन नहीं, गोटे नाउन से है ऑनेस्टी। ये कौवाचक ना ये हूँ आम कौन गुणवाचक विशेष बा इंडिकेट टू नेम ऑफ ए क्वालिटी, नेम ऑफ क्वालिटी गुण ना हूँ किए ऑनेस्टी। नेक्स्ट देखो, चार नंबर अच्छे कौन, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। तो एक क्षेत्र में विंटर आउ स्प्रिंग जोड़ी अच्छा, विंटर गोटे नाउन आउ स्प्रिंग गोटे भी नाउन। तो विंटर आम कौन ये गोटे ऋतु आउ स्प्रिंग गोटे भी ऋतु, तो दुटा आग लिखीद कौन नेम ऑफ ए टाइम, नेम ऑफ ए टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन एलिफेंट इज ए वाइल्ड एनिमल। तो एलिफेंट गोटे नाम एनिमल ये भी गोटे नाम। तो एलिफेंटा क्या सूचे ना नेम ऑफ एनिमल, नेम ऑफ एनिमल किंतु ये जो एनिमलटा कौन पूरा टोटाल एनिमल को सूचे। तो ये हो कौन नेम ऑफ ए क्लास, नेम ऑफ ए क्लास। माय मदर इज वाचिंग टीवी, तो दुईटा नाम मदर गोटे नाम टीवी गोटे भी नाम। तो मदर है कौन ना नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ ए
पर्सन आउ टीवीटा कौन नेम ऑफ ए थिंग जिनस ना तो नेम ऑफ ए थिंग इतना आम एक्टिविटी 11 जदि आपर कौटे किसी टी भी डाउट रोज आपम कमेंट सेक्शन में जहां आम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास रे या विषय आम डिटेल वीडियो बनवा जहाँ भी जब आप डाउट रहे आम देखिए एक्टिविटी 12 एक्टिविटी 12 तो देखा तो बहुत बड़ कि एक्चुअली ये बहुत इजी भी तो देख कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन ये गोटे एक्चुअली स्टोरी गोटे अच्छी तो से किसी ब्लैंक्स रही जाए आमको ऑप्शन रु से ब्लैंक्स गुड़ी फिलअप कराक पड़े तो फर्स्ट क्वेश्चन देख वन डे मनु एंड दनु मेट द विलेज हेडमैन मनु सेड सर देयर इज ए मैंगो ट्री इन माई कोर्टयार्ड डैश हैव बीन प्रोटेक्टिंग डैश फॉर लव तो यहाँ कौन हम आई हैव बीन प्रोटेक्टिंग इट हम फास्टा फास्ट क्वेश्चन रब ऑप्शन ए जोड़ा यहाँ कौन हम आई हैव बीन प्रोटेक्टिंग इट मुझे दीर्घ समय धरी कौन कर रक्षा करसु अच्छे हाव बीन प्रोटेक्टिंग देख ये आम प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव तो दीर्घ समय है कौन से रक्षा कर गोली किए कह मनु कहे नेक्स्ट दानु पी कौन कह दानु सेज दैट इट बिलंगस टू डैश प्लीज गिव डैश जस्टिस तो से कहे आमर तीन नंबर देख मी हिम आउ देम अच्छी तो दानु सेज दैट इट बिलंगस टू हाँ इट बिलंगस टू कौन हम हाँ तो दानु सेज दैट इट बिलंगस टू मी प्लीज गिव मी जस्टिस तो मानु कह रक्षा कर किंतु दानु कह ना एटा मोर दया करी मते दियो तापरे दानु सेड नो सर डैश इज लाइंग तो फास्ट हला मोर आई सेकेंड हला इट थर्ड हला मी फोर्थटा है मी तापे आसला फाइवटा दानु सेड नो सर डैश इज लाइंग तो यहाँ कौन हम हि इज लाइंग तो से मीछ कह से कह तो दानु सेड हि इज लाइंग द ट्री वाज टेकन केयर ऑफ बाय नन अदर दैन माइसेल्फ नन अदर दैन कौन हम देख ऑप्शन देख माइसेल्फ हिमसेल्फ योर सेल्फ हिमसेल्फ योर सेल्फ तो हेनी कौन हम माइसेल्फ तो ये पाँचटा है कौन हि सिक्सटा है माइसेल्फ सेवेनटा है कौन ना देख डैश सुड बिलंग टू मी ना इट सुड कौन हम इट सुड बिलंग टू मी नेक्स्ट देख तापर क्वेश्चन द हेडमैन थॉट फॉर ए व्हाइल डैश सेड द कौन अच्छी हाँ द हेडमैन थॉट फॉर ए व्हाइल ठीक है चिंता कला तापर कौन कला तापर हिम तो हेनी यू तो हेनी कौन हम हि तो हि सेड द ट्री मे नॉट बिलोंग टू बोथ कौन कह द ट्री मे नॉट बिलोंग टू बोथ टेल मी डैश इज द रियल ओनर तापर कौन अच्छे टेल मी कौन हम हु इज द रियल ओनर बोथ स्टार्टेड टेलिंग हिम
its mind. Both started telling him its mind. ଏଇଟା ହବ କ'ଣ ମାଇନ୍ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ ସେଡ୍ ଦ ହେଡ୍ମ୍ୟାନ୍ ଦ ଟ୍ରି ୱିଲ୍ ବି କଟ୍ ଇନ୍ ଟୁ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ୍ ଇକ୍ୱାଲି ସଡନ୍ଲି ଜାନୁ ଆଗ୍ରିଡ୍ ଟୁ ଦି ହେଡ୍ମ୍ୟାନ୍ସ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ବଟ୍ ମନୁ ସେଡ୍ ସାର୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଟେକେନ୍ ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ପେନ୍ ଟୁ ଗ୍ରୋ ଦ ଟ୍ରି ଆଇ କ୍ୟାଣ୍ଟ ସି ଇଟ୍ସ ଫେଲିଂ ଲେଟ୍ ଦାନୁ ହାଭ୍ ଦ ଟ୍ରି ମନୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଆର୍ ରିଏଲି ଦି ଓନର୍ ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ରି ମନୁ ଗୁରା କ'ଣ ହବ ୟୁ ହବ କାରଣ ହି ପାଖରେ ତ ଆର୍ ଲାଗିବନି ଆଉ ଦେ ତ ଏଠି ଲାଗିବନି କାରଣ ଦେ ନାହିଁ ମନୁ ୟୁ ଆର୍ ଦ ରିଏଲି ଦି ଓନର୍ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରି ଦାନୁ ୱିଲ୍ ବି ପନିଶ୍ଡ ଫର୍ ହିଜ୍ ଫଲ୍ସହୁଡ୍ ସେଡ୍ ଦ ହେଡ୍ମ୍ୟାନ୍ ତ ଷ୍ଟୋରିଟା କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଗଛ ଥିଲା ମନୁ ଆଉ ଦାନୁର ତ ମନୁ ଆଉ ଦାନୁ ଝଗଡ଼ା କରିକି ଭିଲେଜ୍ର ହେଡ୍ମ୍ୟାନ୍ ବା ମୁଖିଆ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ଘଟିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟୋରିଟା ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ ଏଇଟା ପଢ଼ିକି ତୁମେ ଆରାମରେ ବୁଝିପାରିବ ଯଦି କିଏ ବୁଝିପାରିବନି ତାହେଲେ କହିବ ଏ ଥିଲା ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟି 12 ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିବ ତାହେଲେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆକ୍ଟିଭିଟି 13 ପୁଟ୍ ଆଇ ହି ସି ୱି ୟୁ ମି ଦେ ଦେମ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ ଏଇଟା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ତ ସେ କହୁଛେ ବ୍ୟାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ଅଛି ୟାକୁ ତୁମେ ୟୁଜ୍ କରିବ ତ କହିଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା କରିବା ତ ଚାଲ ଡରି କ'ଣ ଭାଇ ହୋୟାର୍ ଇଜ୍ ମଧୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ ତ ଜଣେ ପଚାରିଛି ହୋୟାର୍ ଇଜ୍ ମଧୁ ତ କ'ଣ ହବ ତୁମେ ଲେଖ ହି ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ ବା ସି ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ ମଧୁ ଗୋଟେ ମଧୁ ପୁଅ ନାଁ ବି ଅଛି ଝିଅ ନାଁ ବି ଅଛି ତ ଆମେ ଲେଖୁ ସି ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ ହି ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସି ଅର୍ ହି ବି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତାପରେ ଆର୍ ଦ ବଏଜ୍ ପ୍ଲେଇଂ ନୋ ଏଠି କ'ଣ ହବ ନୋ ଦେ ଆର୍ ଷ୍ଟଡିଂ ନୋ ଦେ ଆର୍ ଷ୍ଟଡିଂ ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ରାମ ଶ୍ୟାମ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଦି ସେମ୍ କ୍ଲାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଆର୍ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ଉଇ କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ରାମ ଶ୍ୟାମ ଆଉ ଆଇ ମିଶିଲେ କେତେ ଜଣ ହେବ ତିନି ଜଣ ତ କ'ଣ ହବ ଉଇ ଆର୍ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟୁ ଆମେ ରାମ ଶ୍ୟାମ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଛୁ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 4 ସୁନିତା ଇଜ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଗର୍ଲ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ କ'ଣ ହବ ତ ଏଠି ତ ଗାର୍ଲ କହିଦେଲା ମାନେ ଏଠି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ସି ଲଗେଇବା ସି ଇଜ୍ ଭେରି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଦେମ୍ ଦେ ଆର୍ ଆସ୍ଲିପ୍ କ'ଣ ହବ ପ୍ଲିଜ୍ ଡୋଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଦେମ୍ ତ ଦେଖ ଏଇଠି ତ ଆମେ କିଛି ଲଗେଇ ମାନେ ଯଦି ହୁଅ ଆମେ ଟିକେ ସନ୍ଦେହରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଦେ ଅଛି ଏ ଦେଟା ଆମକୁ ଜଣେଇଦେଲା ଯେ ଆମେ ଏଠି ଦେମ୍ ହିଁ ଲଗେଇବା ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମିଷ୍ଟର ଜୋନ୍ସ ସେଲ୍ସ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୋସର୍ କ'ଣ ହବ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୋସର୍ କହିଲେ ଆରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୋସର୍ କହିଲେ ଯଦି ଜାଣିନ ଲେଖିନବ ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିବା ବିକାଳି ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୋସର୍ କହିଲେ ପରିବା ବିକାଳି ତ ମିଷ୍ଟର ଜନ୍ ସେଲ୍ସ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ମିଷ୍ଟର ଜନ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି ଭେଜିଟେବଲ୍ ବିକନ୍ତି ତ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୋସର୍ ତାହେଲେ ପରିବା ବିକାଳି କିଏ ହେବେ ସିଏ ନିଜେ ତ ସେ ଜଣେ ପରିବା ବିକାଳି ଇଜ୍ ଏ ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୋସର୍ ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟି 13କୁ ବି ବୁଝିପାରୁଥିବ ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଅ ତାପରେ ଦେଖିବା ଆକ୍ଟିଭିଟି 14 ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି ବକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍ ଆଚ୍ଛା ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟି 14ରେ ଏଇଟାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ର ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ତ ଦେଖ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଆସିବ ଦେଖ କିଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ଅଛି ଉପରେ ଆମର ଟେବୁଲ୍ରେ ଟେବୁଲ୍ କରିକି ଅଛି ପପୁଲସ୍ ହେଲା ସିକ୍ ହେଲା ରେଡ଼୍ ହେଲା ସିଲି ହେଲା ବ୍ରେଭ୍ ହେଲା ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ କରିବା ଆଉ ବ୍ଲାଙ୍କସ୍କୁ ଆଉ ଅଭିଷିକ୍ତା
बढ़िया ना वर्दी जी, नहीं अभिषिक्ता फील्स डैश प्लीज कॉल दी डॉक्टर। अच्छा पॉपुलस सी की रेड सिली ब्रेव इंटेलिजेंट एम तो किसी लगे कौटा लगे सिख अभिषिक्ता दुर्बल अनुभव करुच्छे दयाक डाक्तर को डाक गला क्वेश्चन वन हो गला। तब देखिए क्वेश्चन टू स्वदेश इज डैश ही कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन स्वदेश इज किए सब क्वेश्चन कह पार जे चालाक तो इंटेलिजेंट स्वदेश इज इंटेलिजेंट ही कैन आंसर ऑल द क्वेश्चन। दैट डैश बिल्डिंग इज आवर्स दैट देखो बिल्डिंग देला माने कौन एगोटे रंग रना हे तो दैट रेड बिल्डिंग से जो नाली कोठाटी आमर। तापर क्वेश्चन नंबर फोर कोलकाता इज ए डैश सिटी कोलकाता कौन गोटे शहर पपुलस लोक प्रबल सिटी तो कोलकाता इज ए पपुलस सिटी। तापर डैश बॉयज आइडल अवे देयर टाइम को मैंने बोका जो मैंने तो सिली बॉयज आइडल अवे देयर टाइम तो बोका मैंने नष्ट करते समय आउ जे चालक तो सी निहत भाव जहाँ किसी गोटे कर इफेक्टिव कर जो मैंने बका से ही समय को नष्ट करती आदर से गेम हो कि टीवी हो कि खटी हो यू निजी लिप्त करती। आगे नेक्स्ट बा लास्ट क्वेश्चन आमर द जापानीज आर कौन जापानीज कौन बहुत साहसी आउ बढ़ी जी आमर गोटे अप्सन तो द जापानीज आर ब्रेव। ये आम आक्टिविटी 14 तापर देखिए आम आक्टिविटी 14 पर आसा आक्टिविटी 15 आ 16 तो ये दुटा भर्ब्र दुटा एक आक्टिविटी तो डेरी नक तो स्टार्ट करिया। आक्टिविटी 15 कौन कही चूज द करेक्ट भर्ब गिवेन अ इन ब्राकेट्स तो देख ब्राकेट तीन तीन टी भर्ब्स आम आमको कौन कराया पड़ो ना जो ठीक भर्बा से आमको सीट लिखा पड़ो। तापरे देखो व्हेन डू यू डैश अप व्हेन डू यू कौन हम तुम केत उठ तो व्हेन डू यू गेट अप केत उठ ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो द हॉर्स डैश फास्टर देन द डियर घोड़ा कौन करे हरिण अपेक्षा शीघ्र कौन करे चले ना उड़े ना कौन दौड़े तो हॉर्स रन्स फास्टर देन द डियर। तार क्वेश्चन नंबर थ्री माय फ्रेंड कैन डैश इंग्लिश वेल माय फ्रेंड कैन हैव अ स्पीक जदि सबूतर मीनिंग एका कि तीन टाक वर्ड अलग अलग समय व्यवहृत हुए तो एक क्षेत्र हम माय फ्रेंड कैन स्पीक इंग्लिश वेल। तब देखो क्वेश्चन नंबर फोर ए गोल्ड स्मिथ डैश अर्नामेंट्स ए गोल्ड स्मिथ मेक्स अर्नामेंट्स गोल्ड स्मिथ कहले कौन जाए बणिया जो मैंने सुनार अलंकार सब या करती से कौन कहती गोल्ड स्मिथ। क्वेश्चन नंबर फाइव बैड न्यूज डैश फास्ट बैड न्यूज ट्रैवल्स फास्ट एटा गोटे प्रोभर्ब आकार एक्चुअली यूज हुए बैड न्यूज ट्रैवल्स फास्ट ये आम आक्टिविटी 15। तापर आम देखिए आक्टिविटी 16 तो कंप्लीट दि फॉलोइंग कन्वर्सेशन बाय यूजिंग दि करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द ब्राकेट्स तो देखो ये भी ब्राकेट अच्छी तीन तीन ऑप्शन देखिए आमको कौन करा पड़ो ये गोटे कन्वर्सेशन एक्चुअली गोटे जन यंग मैन और जे पंडित भितर गोटे कन्वर्सेशन हो कथोपकथन हो सहीटा को ब्लैंक छाड़ दिखाई आमको भर्ब द्वारा ठीक करा पड़ो। ओके तो चलो स्टार्ट करिया फास्ट यंग मैन Who dash the most powerful? कौन हम Who is the most powerful? किए सबुठारु अधिक शक्तिशाली पंडित कौन कहते one who has intelligence जी चालाक सी एक्चुअली सब सर्वशक्तिमान जार बुद्धि न थी खाली बल थी किसी लाभ हो किसी ना तो सही कहते जी चालाक से हूँ सब शक्तिशाली
तापर यंग मैन हाउ यंग मैन से पचार किपर पंडित ए स्ट्रॉन्ग लायन विदाउट इंटेलिजेंस डैश इजिली डिफीटेड बाय लिटिल फॉक्स कहते जदि गोटे मानने शक्तिशाली सिंह भी होती है किंतु जदि तार बुद्धि नहीं ताले से गोटे मानने कोकिशाली द्वारा भी मानने कोकिशाली ठारु भी हारी जीव तो ए स्ट्रॉन्ग लायन विदाउट इंटेलिजेंस इज इजिली डिफीटेड बाय ए लिटिल फॉक्स पैसिव फॉर्म इज डिफेक्टेड इज डिफीटेड तो ए स्ट्रॉन्ग लायन विदाउट इंटेलिजेंस इज इजिली डिफीटेड बाय ए लिटिल फॉक्स खाली बड़ थी किसी हमें बुद्धिटा एक्चुअली दरकार जब जनकर बुद्धि अच्छी से गोटे बड़ा लोक भी हर पारे कि जनकर खाली जब बड़ अच्छी से ताले गोटे चालाक लोक को बुद्धि लोक को हर पार नहीं तो तुम मान सब कह जाए कि तुमने एक्चुअली पाठ पढ़ मेंटाली स्ट्रांग हो मेंटाली नॉट कि फिजिकली तो देख यंग नेक्स्ट यंग मैन व्हाट अबाउट जेम्स पंडित देयर आर ओनली थ्री जेम्स फूड वाटर एंड स्वीट वर्ड्स देयर आर ओनली थ्री जेम्स तीन टा जेम्स किए ना गोटे खाद्य आउ गोटे जल आउ गोटे मधुर वचन ये तीन टा एक्चुअली थ्री जेम्स फूल्स कन्सीडर दि पीसेस ऑफ स्टोन्स आर जेम्स जो मैंने बोका से मैंने ही पथर खंड मान को जेम्स बोली कहते यंग मैन व्हाट इज माय ड्यूटी ताले मोर ड्यूटी कौन ना पंडित कौन कहले यू डैश डू व्हाट यू थिंक नीडफुल यू मस्ट डू व्हाट यू थिंक नीडफुल जोड़ा तुमको लगुच दरकार से तुम निहाती भाव कर एंड लिसन एंजय दि प्रोसेस नॉट दि फ्रूट आउ कौन कामटी को एंजय कर ना कि फल आशा रख बोली से कहते तो ये दुज कन्वर्सेशन आम तो भी सल्व करदे तो ये एक्टिविटी सिक्स सिक्सटीन तो आज ये हिं कम्प्लीट कर कारण आम ये हिं एक्चुअली आगे पढ़ी तो नेक्स्ट क्लास आम आगे पढ़ा तो आशा करती आपण मानक भिडियो बहुत भल लगी जदि आपको प्रकृत भल लगी आपने चाहते कि आपर आहरी ये सांग मैंने भिडियो देखिए उपकृत हूँ तो आपण मैंने गला बेले लाइक सेयार और सब्सक्राइब कर दिंतु फल कौन हम आपड़ मैंने जिते भी क्लास हो तार आगु आपको नोटिस मिल जाव लाइव क्लास भी आगु नोटिस मिल जाव आपण मानक किसी सांग उपकृत हो पारे धन्यवाद।